हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉनी मॉरिसन का नॉवेल बिलवड। टॉनी मॉरिसन एक अफ्रीकन अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने अमेरिका में स्लेवरी के अगेंस्ट आवाज उठाई। बिलवड जो है एक ब्लैक स्लेव वुमेन की स्टोरी है जो अपनी ही बेटी बिलवड को मार देती है ताकि उसे स्लेवरी के कष्ट ना उठाने पड़े। इस नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है वो सेठी है और ये नॉवेल है जो ब्लूस्टोन रोड पर पिक्चराइज किया गया है। सेठी और उसकी डॉटर जो डेनवर है एक हॉन्टेड हाउस 124 ब्लूस्टोन रोड पर रह रहे होते हैं। सेठी की मदर इन लॉ बेबी सग्स हैं, वो मर चुकी हैं और सेठी के दो बेटे हैं हॉवर्ड और बगलर, वो भी उसे छोड़कर चले गए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि जैसे उनकी मदर ने बिलवड को मार दिया तो वो कहीं उन्हें भी मार ना दे। सेठी ने छोटे बचपन के टाइम पे ही बिलवड को मार दिया था तो इसलिए उसके बेटे उसे छोड़कर चले गए। सेठी के साथ अभी एक बेटी रहती है जिसका नाम है डेनवर। एक दिन अचानक सेठी के घर पॉल्डी आता है। उसके आते ही सेठी को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो स्लेवरी के क्लचेस में थी और पॉल्डी भी उनके साथ था, वो भी स्लेव था। 18 ईयर्स पहले की बात है जब वो सब स्लेवरी में ही बंधे हुए थे। पोल्डी जो है सेठी के हस्बैंड हैली के साथ स्लेवरी सिस्टम में था और पोल्डी के आते ही वो दोनों पुरानी बातें डिस्कस करने लगते हैं, अपनी डिफिकल्टीज हार्डशिप्स जो भी उन्होंने सहन किया उसके बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। सेठी जो है वो भी बचपन से ही स्लेव थी क्योंकि उसकी मदर भी स्लेव थी और उसकी माता के स्लेव होने के कारण उनकी केयर भी नहीं कर पाती थी, इसलिए सेठी भी अपने बच्चों को मानना चाहती है कि उन्हें भी गुलामी का जीवन ना जीना पड़े जैसे कि उसने अपने बचपन को खराब किया है स्लेवरी सिस्टम में। उसे कोई भी सुख नहीं मिला, उसे माँ का प्यार तक नहीं मिला, तो इसलिए वो चाहती है इससे तो अच्छा है कि उसके बच्चे मर जाएं और एक नया जीवन शुरू करें, अगले जन्म में अच्छा जीवन व्यतीत करें और इस जन्म के दुख ना सहें। वो अपनी इसी बात के लिए वो अपनी बेटी है जो बिलवड को मार तो देती है लेकिन पूरा लाइफ टाइम उसे इस बात का पछतावा रहता है। इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ता है, कोई नेबर में कोई सोसाइटी में कोई भी उनसे बात तक नहीं करता। डेनवर जो उसकी बेटी है उसको भी हमेशा लोनली फील होता रहता है क्योंकि उनका किसी के साथ भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता। तो पोल्डी जब उनके घर आता है तो सेठी को काफी मॉरल सपोर्ट मिलता है उससे, वो एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करते हैं। तो वो काफी पिछली बातें भी याद करते हैं जब वो स्लेवरी सिस्टम में थे, वो काफी रिलीफ महसूस करती है सेठी उससे बात करके। तो वो पोल्डी उनके घर ही रहने लग जाता है और उन दोनों में आपस में रिलेशन बन जाते हैं, फिजिकल रिलेशन होते हैं। पोल्डी जो है वो उसको उनका घर जो हॉन्टेड लगता है क्योंकि उसके आते ही घर की तस्वीरें दीवारें हिलने लगती है, लेकिन सेठी के लिए ये सब नॉर्मल है, उनके घर में ऐसा होता रहता था। तो पोल्डी जो है वो सेठी और डेनवर को खुश रखने की काफी कोशिश करने में लगा रहता है। एक दिन वो उनको खुश करने के लिए कार्निवल में ले जाता है लेकिन वापस आते समय उन्हें घर के पास एक बेसहारा लड़की मिलती है। उस लड़की को वो अपने घर पे ले आते हैं। कुछ समय बाद जब उसकी हालत ठीक हो जाती है तो वो उसके बारे में पूछा जाता है तो वो अपना नाम है जो बिलवड बताती है। सेठी और बिलवड में आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि बिलवड उसके बाद उनके घर पर ही रहने लग जाती है। सेठी उससे अपनी मदर इन लॉ बेबी सग्स, अपने हस्बैंड हैली की सारी बातें शेयर करती है, उनमें काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन पोल्डी जो है उसको बिलवड के होने से थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, उसे कुछ अजीब सा लग रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता लग रहा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पर मुझे उसकी मौजूदगी है जो वो अच्छी नहीं लग रही है। एक दिन वो काफी बेचैन महसूस कर रहता है और वो सेठी से कहता है कि आज मैं बेबी सग्स के रूम में सोने के लिए जाऊंगा। तो सेठी उसे कोई क्वेश्चन नहीं करती है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है और पोल्डी है जो वो बेबी सग्स के रूम में स्टोर रूम में सोने के लिए चला जाता है। तो पोल्डी जो है वो खुद तो सेठी के पास रहना चाहता है लेकिन वो खुद को उससे दूर महसूस कर रहा होता है। एक रात को ऐसा होता है कि बिलवड जो है वो पोल्डी के रूम में चली जाती है और उसे टेम्प्ट करने की कोशिश करती है। पोल्डी पहले तो खुद को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है लेकिन एंड में उसे कंट्रोल नहीं हो पाता और उन दोनों में आपस में रिलेशन बन जाते हैं। बिलवर जो है वो डेनवर के साथ भी काफी अच्छी बॉन्डिंग कर लेती है, वो दोनों एक दूसरे की कंपनी में बहुत अच्छा फील करती है और वो नहीं चाहती कि बिलवर उनके घर से जाए। डेनवर शुरू से ही अपने बचपन से ही लोनलीनेस में रही है और उसे बिलवर के रूप में एक अच्छा कंपेनियन, एक अच्छा दोस्त, एक सिस्टर मिल जाती है। बिलवर है जो
वो भी डेनवर के साथ अच्छा बिहेव करती है, लेकिन बिलवर्ड अपने पास के बारे में किसी को कुछ भी कोई सेटिस्फेक्ट्री आंसर नहीं दे पाती कि वो कहाँ से आई और वो क्या थी, क्योंकि कोई भी उससे क्वेश्चन पूछता है तो वो ऐसे उलट सुलट जवाब दे देती है। डेनवर अंदर से जानती है कि बिलवर्ड के जवाब ठीक नहीं है, लेकिन क्यों, और क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में है, एक गोस्ट की तरह है वो, लेकिन डेनवर इस पे ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करती क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो वहां से चली जाए। इस तरह बिलवर जो है सेठी को एक बेटी की तरह कंपनी देती है, पोल्डी को लवर की तरह और डेनवर को सिस्टर की तरह रखती है। पोल्डी एक दिन बैठा हुआ अपने पुराने दिन स्लेवरी को याद कर रहा होता है कि जब वो स्लेवरी के क्लचेस में था, उस टाइम पर एक ब्लैक स्लेव था जिसका नाम था सिक्सो, उसको उस टाइम पे जिंदा जला दिया जाता है क्योंकि वो भागने की कोशिश करता है। ये सब जो स्लेव थे, एक जगह थी स्वीट होम, वहां पर काम करते थे और वहां पर जब पोल्डी था तो वो खुद को काफी असहाय महसूस करता था। आज भी वो ऐसा सोच रहा है कि वो, उसे अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिलवर की क्लचेस में है, कि उसने उसको बांध रखा है किसी तरीके से। सेठी जाना तो चाहता है रिलीफ के लिए सेठी के पास, पर वो जा नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो सेठी के पास जाता है, उससे बातचीत करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम समझाए, पर वो उसे कुछ बता नहीं सकता। तो वो अजीब सी डिमांड करता है सेठी से, कहता है कि क्या तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी। तो पहले तो वो, उसे हंसी आती है सेठी को, वो हंसकर मना कर देती है, लेकिन बाद में अकेले में शांत ढंग से सोचती है कि शायद उसने अपनी बेटी को मारकर अच्छा नहीं किया, कि उससे वो काम है जो वो गलत हो गया। स्टैम्पेड एक और कैरेक्टर है इस नॉवेल में, जो कि एक स्लेव है, उसकी वाइफ का नाम है वर्षित, लेकिन उसे एक साल तक अपनी वाइफ से मिलने नहीं दिया गया था। उसकी वाइफ को स्लेव ओनर जो था वो डेली सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था, और स्टैम्पेड इस बात को सहन नहीं कर पाता था। एक बार उसने वाइफ को मारने की सोचा, दिमाग में सोचा ऐसा कि वो अपनी वाइफ को मार दे, पर वो उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके पास एक ही चारा था कि वो अपना नाम बदलकर उसने नई लाइफ स्टार्ट कर ली। स्टैम्पेड जो है एक टाइम पे पोल्डी के साथ बात कर रहा होता है, तो वो फ्लैशबैक में एक कहानी सुनाता है कि सेठी जो है उसको मैंने ही स्लेवरी से आजाद होने में हेल्प की थी जब हम इकट्ठे काम कर रहे होते थे। तो वो कहता है कि सेठी अपनी वहां से भागकर अपनी मदर इन लॉ बेबी सक्स के पास आ जाती है, तो वो कुछ टाइम पे तो वहां रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही उनके घर पर चार पर्सन आते हैं, स्कूल टीचर, नेफ्यू, अ स्लेव कैचर एंड शेरिफ। वो उसके बच्चे को वहां से ले जाने के लिए आते हैं ताकि उनको स्लेव बनाया जा सके, लेकिन सेठी बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो जाती है उस टाइम पे, उसे पता होता है क्या करना है। वो अपने बच्चों को लेकर बैकयार्ड में चली जाती है, अपने बच्चों को मारने की कोशिश करती है कि कोई उन्हें स्लेव ना बना सके, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे स्लेव बनकर दुखी जीवन व्यतीत करे। तभी वो ऐसा सीन हो जाता है कि वो जो आए होते हैं बच्चों को लेने के लिए, वो तीनों तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन शेरिफ सिचुएशन को देखने वहीं पर रुक जाता है। तभी जो स्टैम्पेड और बेबी सक्स उस टाइम पे बच्चों को बचाने के लिए आ जाते हैं, बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, और जो सेठी का ऐसा रूप, भयानक रूप देखकर सभी ही हैरान हो जाते हैं, शोक हो जाते हैं। पोल्डी है जो वो स्टैम्पेड की इस बात को मानने से इंकार कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सेठी मर्डर कर सकती है, लेकिन स्टैम्पेड उसे एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता है कि जिस पर सेठी की तस्वीर होती है। पोल्डी पहले तो इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन कहता है अगर ऐसा हुआ भी है तो इसके लिए सोसाइटी ही रिस्पॉन्सिबल है। पोल्डी घर जाकर इस बारे में सेठी से पूछता है और वो सब सच बता देती है कि हाँ ऐसा हुआ है। पोल्डी कहता है कि उसने ये सब सही नहीं किया, लेकिन सेठी कहती है कि यह सब सही है और उसने अपने बच्चों को स्लेवरी से बचाया है। इसके बाद पोल्डी है जो वो घर छोड़कर चला जाता है। पोल्डी जो है वहां से जाकर चर्च में रहना शुरू कर देता है। तो स्टैम्पेड इसके बाद सेठी के लिए काफी मिजरेबल फील करता है कि पहले उसके हस्बैंड हैली ने छोड़ दिया, बच्चे चले गए और बेबी सग्स भी अब इस दुनिया में नहीं है, पोल्डी भी चला गया, वो अपने जीवन में काफी लोनली हो गई है, उसकी सोसाइटी भी उससे बॉयकॉट रखती है, कोई भी उससे बात नहीं करता। और इस टाइम पे पोल्डी के रूप में उसे एक सहारा मिला था और वो भी उसे छोड़कर चला गया। तो सेठी है जो अपने लास्ट टाइम पे काफी डिप्रेशन और वरीज में चली जाती है, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। डेनवर भी अपनी मदर की कंडीशन देखकर काफी परेशान, काफी चिंतित होती है। डेनवर सोचती है कि अपने घर को बचाने के लिए अब उसे ही बाहर जाना पड़ेगा, उसे ही कुछ करना पड़ेगा।
तो डेनवर पहले तो कभी घर से बाहर नहीं गई होती, लेकिन वो जॉब ढूंढने के लिए जाती है, मिस्टर बॉडविन के पास जाती है, अपने स्कूल टीचर के पास जाती है। तो वो वहां पर जाकर बिलावट के बारे में बात करती है कि जैसे जैसे सेठी वीक हो रही है तो बिलावट भी बड़ी हो रही है। ऐसा लगता है कि सेठी एक छोटी बच्ची है, वो काफी बीमार है और बिलावट उसकी माँ है। डेनवर घर के सारे काम करने लगती है, वो कुकिंग करती है, वॉशिंग करती है। तो उसके बाद जो डेनवर है वो मिस्टर बॉडविन की हेल्प लेती है, और वो वहां पे कुछ ऐसा कुछ होता है कि कुछ टाइम के बाद बिलावर है जो खुद ब खुद गायब हो जाती है बिना किसी को कुछ बताए। और जब पोल्डी को पता चल जाता है कि ब्लूस्टोन हाउस में अब बिलावर नहीं है, तो वो घर में वापस आ जाता है और सेठी को काफी सांत्वना देता है, उसकी केयर करता है कि बिलावर जहां से आई थी वहां पर चली गई और तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसे ऐसा लगता है कि पोल्डी को भी गोस्ट वहां से चला गया है। पोल्डी का घर पर वापिस आना और सेठी के घर पे एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने का साइन होता है। डेनवर भी काफी चेंज हो जाती है। पोल्डी सेठी की बहुत केयर करता है, उनकी एक नया जीवन उनके घर पर स्टार्ट हो जाता है और पुरानी यादें हैं जो सब कुछ भूल जाते हैं। तो यहीं पर नॉवेल का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू लाइक देन क्लिक ऑन लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो।